माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस हेयर ऑयल का रिव्यू। ये है ग्लैमिनो का ओनियन नेचुरल रीग्रोथ हेयर ऑयल। सो आप देख सकते हैं मैं इसको इतना यूज़ कर चुकी हूँ, पास्ट 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड ओ माई गॉड, ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग वर्क कर रहा है मेरे हेयर के लिए। जैसे कि आपको पता है मैं चेंज करती रहती हूँ अपने हेयर केयर के प्रोडक्ट्स लाइक ओनियन ऑयल और शैम्पूज, तो मैं काफ़ी टाइम से एक ही ओनियन ऑयल पे स्टक थी, तो मैंने सोचा कि कुछ चेंज किया जाए थोड़ा सा अपने हेयर के लिए। तो थोड़े हेयरफॉल भी मुझे हो रहे थे। वेदर चेंज के हिसाब से क्या होता है कि आपके स्वेटिंग होती है और यहाँ दिल्ली एनसीआर में बहुत गर्मी है, तो उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी और हेयरफॉल भी मुझे हो रहा था। तो ये वाला प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया है एंड ये ओनियन वाला है, तो ओनियन मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं, ओनियन हेयर ऑयल्स और ओनियन शैम्पूज एंड कंडीशनर एंड हेयर मास्क, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये वाला ट्राई करूँ एंड देखती हूँ कि ये मुझ पर सूट करता है कि नहीं। सो इसने वर्क क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मेंशन करते हैं, क्लेम करते हैं नेचुरल रीग्रोथ हेयर ऑयल, तो ये आपके हेयर को रीग्रो करवाते हैं। लाइक हेयरफॉल तो आपका कम होगा ही, थोड़ा बहुत जो होता है जो वो कंट्रोल तो होगा ही, बट जो आपका हेयर फॉल हो जाता है उसको रीग्रो करवाने में ये काफ़ी हेल्प कर रहा है। ओनियन बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है हमारे हेयर के लिए, तो ये आपके हेयर को रीग्रोथ करवाता है, जो आपके रूट्स से जो आपके हेयर निकलते हैं। और मेरे साथ मेन प्रॉब्लम यही हो रही थी कि मेरे हेयर सीधे रूट्स से निकल रहे थे, ऐसा नहीं है कि डैमेज हो गए थे बीच में से टूट रहे थे, नो। जब भी मैं कॉम कर रही थी या वॉश करती थी तो मेरे को ऐसा दिखता था कि वो लंबे लंबे बस हेयर निकलते जा रहे हैं रूट्स से, एंड वो मेरे को बहुत डर था कि पता नहीं रीग्रोथ होगा कि नहीं। बट आई कैन सी, आप देख सकते हैं मेरे ये छोटे छोटे से हेयर हैं, टाइनी टाइनी हेयर्स, ये सब रीग्रोथ हुए हैं। ये सब छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये रीग्रोथ हेयर होते हैं, मतलब जो टूट चुके हैं वो दोबारा निकल रहे हैं। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। ग्लैमिनो को मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए हैं लाइक एलोवेरा जेल, वो भी काफ़ी सूट किया मेरे को, उसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है। तो ओनियन ऑयल की अगर बात की जाए तो मुझे ये काफ़ी सूट किया। ये जो प्रोडक्ट है ये नो मिनरल ऑयल के साथ आता है, नो पैराबिन, नो सिलिकन एंड नो सिंथेटिक फ्रेगरेंस। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बिल्कुल भी ओनियन जैसे नहीं है, जबकि इसमें ओनियन एडेड है, स्टिल इसमें वो बदबू जो होती है ओनियन वाली वो नहीं आती है। इसमें से कुछ अलग सी ही नेचुरल किसी चीज़ की आती है, मेरी मम्मी कुछ तो बताती है मेरे को नाम, वैसी ही आती है, वो भी यूज़ कर रही हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये। वाह, इसकी फ्रेगरेंस लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब जब इसका कैप खोलते हैं तो पूरे रूम में खुशबू निकली फैल जाती है, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है इसकी। और ये 100% नेचुरल इंजीनियर के साथ बना हुआ है। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 699 रुपीज़ में मिल जाता है, डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करेगा। अगर इसमें मेंशन और भी चीज़ें की गई हैं वो डैंड्रफ कंट्रोल पे है, मेरे को डैंड्रफ वाली ऐसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है तो मैं अभी आपको डैंड्रफ का कुछ नहीं बता सकती हूँ, बट ये क्लेम करता है कि आपके हेयर को बूस्ट करेगा रीग्रोथ करने में, डैंड्रफ को कंट्रोल करेगा, ट्रीट्स हेयर लॉस एंड हेयर को नरिश करने में हेल्प करेगा, थिकनेस प्रोवाइड करेगा आपके हेयर में रीग्रोथ करवा के। तो ये कुछ क्लेम्स हैं जो ये करते हैं। 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ होती है इसकी एंड आपको ये 699 में मिल जाता है 200 ml, बट डेफिनेटली आई गेस इसमें डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, सिर्फ 699 का ही नहीं होगा, शायद कम का भी हो सकता है। तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके मैं इंग्रेडिएंट्स अगर आपको बताऊं तो ये है, इसमें ओनियन ऑयल डाला है, सोया ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, देन सेसमे ऑयल, पोहोबा ऑयल, आर्गन ऑयल, ब्राह्मी ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, हिबिस्कस ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, आमला ऑयल, विटामिन ई ऑयल, मैंगो ऑयल, रोज ऑयल, भृंगराज ऑयल, नीम ऑयल, शिया बटर, कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल। सो आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ऑयल्स एडेड हैं, तो ये मिक्सचर ऑफ बहुत सारे ऑयल्स का है। इसके अगर कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, कुछ ऑयल होते हैं चिप चिप करते रहते हैं वो कोकोनट ऑयल की तरह, तो ये वैसे चिप चिप वाला स्टिकीनेस नहीं है इसमें, लाइट वेटेड है। और मैं इसको अप्लाई करती हूँ नाइट टाइम में, मोस्ट ऑफ द टाइम नाइट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, और कभी भूल जाती हूँ तो मैं मॉर्निंग में उठते ही ऑयलिंग करती हूँ, ताकि मैं 2-3 आर्ट्स बाद जब वॉश करूँ तो एटलीस्ट कुछ 2-3 आर्ट्स में मेरे रूट्स में पेनिट्रेट हो पाए। तो सिंपली आपको अपने अच्छे से पहले तो अपने हेड मसाज करना है, अच्छे से अपने फिंगर टिप्स से हमेशा मसाज करें ऐसे ऐसे करके, और जब अच्छे से मसाज हो जाए तो आप अपने फिर रूट्स से लेके लेंथ तक पूरे हेयर पे अप्लाई करें, क्योंकि हमारे जो हेयर होते हैं ना वो ऐसे यहाँ से भी डैमेज होते हैं,
तो आपको पूरा स्प्लिट एंड्स ना आए, बिल्कुल एंड्स में भी अप्लाई करना है, तो उससे क्या होता है आपके हेयर भी नरिश होते हैं। रूट्स तो नरिश होते ही हैं, रूट्स तो स्ट्रांग होती हैं, साथ में आपकी लेंथ भी नरिश होती है। तो ऑलवेज लेंथ में भी अप्लाई करें एंड कोशिश करें ओवरनाइट रखने का। रात को अप्लाई कर लें, मॉर्निंग में वॉश करें, दैट्स इट। शैम्पू से वॉश करें एंड प्रेफर करें सल्फेट फ्री शैम्पू लें, पैराबिन फ्री शैम्पू लें, क्योंकि आपके हेयर और स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है पैराबिन एंड सल्फेट। सो या, ये था इसका रिव्यू। मुझे मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग लगने लगे हैं, हेयर रीग्रोथ होने लगा है। तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कोई भी प्रोडक्ट विदाउट ट्राइंग आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी एंड ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।